हेलो दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2019 और आज के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक ये स्टडी विथ कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डेली करंट अफेयर्स और ऑल टाइम जीके जीएस के लिए आप ये स्टडी विथ कलीम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप से किसी भी ग्रुप से जा करके आप ले सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक पास किया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर देख लेते हैं, इस संशोधन के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है, तो ये सही है। राज्यसभा द्वारा इस संशोधन को पारित किया गया है, ये भी सही है। इस संशोधन विधेयक कक्षा 1 से 8 के छात्रों से संबंधित है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दिव्येंदु पालित का निधन हो गया है, एक किस भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे? ऑप्शन 3 है हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। तो जो ये दिव्येंदु पालित का निधन हो गया है, ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेल डे यानी ब्रेल लिपि, तो 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी। तो जो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया वो 4 जनवरी को मनाया गया है। ब्रेल दिवस के बारे में जान लेते हैं, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। लुइस ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल एक कोड भाषा है जिसमें वर्णों और संपूर्ण अक्षरों की प्रस्तुति के लिए सतह पर उभारों और अभिज्ञानों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप देखते होंगे ये जो भी लिखा रहेगा इसमें थोड़ा सा उभार होगा, आप देखते होंगे कि जो नोट वगैरह होता है उसमें भी थोड़ा सा उभार रहता है, उसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। मतलब कहीं कहीं ये सिंपल एकदम सादा ऐसे नहीं लिखा रहेगा, एकदम ऐसे ऐसे करके लिखा रहेगा, इस सब में उभार रहेगा, उसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में एक ब्रेल के लिए वो रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है ब्रेल लिपि में लिखा हुआ। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला जिसने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ पर फतह हासिल की है, वो कौन है? तो 3 ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, दफा देवी, गीता वाल्वरीन। तो वह है अरुणिमा सिन्हा, ये हैं। और इनके बारे में जान लेते हैं, अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बन गई है जिन्होंने कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई पूरी की है। अरुणिमा सिन्हा इससे पहले भी एक कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह करने वाले 2013 में दुनिया की एकमात्र महिला है। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन अप्रैल 2011 में लखनऊ से नई दिल्ली के सफर में उन्हें कुछ लोगों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था जिसकी वजह से उन्हें एक टांग गंवानी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पारित किया गया है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पारित किया गया वह राज्यसभा द्वारा किया गया है, लेकिन लोकसभा पहले ही पारित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उर्वरक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो उर्वरक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया उनका नाम है छबिलेंद्र राउल। 4 जनवरी 2019 को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का उद्घाटन किया गया है? हरदीप सिंह पुरी, सुमित्रा महाजन, आर के यादव। तो जो है यह हरदीप सिंह पुरी जी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित पंचतीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? ये पंचतीर्थ है इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, वो किस देश में है? वह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंचतीर्थ को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया है। पंचतीर्थ 5 तालाबों की वजह से प्रसिद्ध है।
इस जगह का संबंध महाभारत काल के राजा पांडु से है। इस स्थल पर हिंदू कार्तिक महीने में तालाबों में स्नान करने आते थे। इस मंदिर को 1747 में अफगान दुरानी वंश के दौरान नुकसान पहुंचाया गया था, जिसे 1834 में सिख शासन के दौरान स्थानीय हिंदुओं ने फिर से बनवाया था। हाल ही में जारी दुनिया के 4000 प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची में भारत के कितने वैज्ञानिकों के नाम शामिल है? तो वह 10 वैज्ञानिकों के नाम शामिल है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में क्वेरीवेट एनालिटिक्स ने दुनिया के 4000 प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इसमें भारत को 10 वैज्ञानिकों के नाम शामिल है। इस सूची में 2639 नाम के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है, 546 नाम के साथ यूके दूसरे नंबर पर, 86 नाम के साथ चीन तीसरे नंबर पर है। इस सूची में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा 186 प्रतिनिधि है। इस सूची में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पीएम के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख सीएन राव का नाम भी शामिल है। तो आपको याद रख लेना है कि अमेरिका इस सूची में 2639 नामों वैज्ञानिकों के साथ एक नंबर पर, उसके बाद यूके है, तीसरे नंबर पर चीन है और भारत में सिर्फ 10 वैज्ञानिक है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा JNV छात्रों की आत्महत्या पर नज़र रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की आत्महत्या के मुद्दों पर नज़र रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष मनोचिकित्सक जितेंद्र नागपाल है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के मध्य जवाहर नवोदय विद्यालय के 49 छात्रों ने आत्महत्या की थी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा समाप्त कर दी है? तो अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को पाकिस्तान आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पटेल शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो वह है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेट कीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत ने 4 जनवरी 2019 को एक पारी में 159 रन बनाए। इसके साथ ही वह भारत के बाहर किसी एक पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में धौलाई थाबी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो वह मणिपुर में किया गया है। 4 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय उद्यमता पुरस्कार के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो उद्यमिता पुरस्कार के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 4 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य है, इन पुरस्कारों का उद्देश्य उद्यमशीलता के निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पीढ़ी को मान्यता देना है। इस वर्ष कुल 43 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से 39 पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों को और 4 पुरस्कार हॉल निर्माताओं को दिए जाएंगे। उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप नए संगठन का आरंभ करने की भावना को कहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जो पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश है वह है जस्टिस सईद खान खोसा। हाल ही में पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा को नियुक्त किया गया है। जस्टिस सईद खान खोसा 18 जनवरी 2019 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद, राज्य भाषा है उर्दू, राष्ट्रीय अंग्रेजी और प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी और वहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। 4 जनवरी 2019 को भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो वह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 4 जनवरी 2019 को भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव का आयोजन नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम सेकेंड में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। इस फिल्म उत्सव का आयोजन 4 जनवरी से 13 जनवरी 2019 तक किया जाएगा। 3 जनवरी 2019 को सिंडिकेट बैंक ने ग्राहकों को बीमा सेवा देने के लिए इनमें से किसके साथ समझौता किया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। 3 जनवरी 2019 को सिंडिकेट बैंक ने ग्राहकों को बीमा सेवा प्रदान करने के लिए SBI इंश्योरेंस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब सिंडिकेट बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से SBI इंश्योरेंस की सेवाएं प्रदान करेगा। सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO मृत्युंजय महापात्रा हैं। SBI लाइफ के प्रबंधक निदेशक और CEO संजीव नौटियाल हैं। इससे पूर्व SBI लाइफ ने इलाहाबाद बैंक के साथ इसी तरह का समझौता किया था। तो दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद कलीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको वन टाइम एग्ज़ाम के लिए GK GS के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।